राजधानी में गुरुवार से शुरू हुई बारिश शनिवार सुबह तक जारी है। भारी बारिश ने हाहाकार मचाकर रख दिया है, कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। छोटे बड़े तालाब, नदी नाले सभी उफान पर हैं। घुंसी नदी में बाढ़ आ गई और गांव में घुस गई। एक परिवार रात भर फंसा रहा, सुबह SDRF की टीम ने रेस्क्यू किया। देखेंगे खास रिपोर्ट। राजधानी में 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। यहां बड़े तालाब में 1665.80 फीट पानी भर गया है। फुल टैंक लेवल 1666.80 फीट है, यानी एक फीट पानी भरने के बाद फुल लेवल हो जाएगा। बड़े तालाब में पानी बढ़ने के साथ ही भदभदा डैम के 4 गेट खोल दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है और निचले इलाकों में अमले की तैनाती के निर्देश भी दिए हैं। सुबह से मैंने काफ़ी तेजी से मैंने पानी गिर रहा है। आप देख रहे हैं कि कल इस गेट का लेवल 1663.3 था, अभी 1666.3 हुआ है और काफ़ी पानी इनफ्लो भी काफ़ी बड़े तेजी से मैंने हो रहा है। अभी तो केवल एक गेट खोला गया है और जैसे जैसे स्थिति देखी उसके अनुसार बड़े काम करने और ऑलरेडी आगे गलियासोर डैम के लिए भी और नीचे उधर कोलार में भी सब जगह अलर्ट किया गया है और स्थिति पर मतलब रखे हुए। सर, भोपाल की हालत भी ख़राब है, निचली बस्तियों में पानी भरा गया है, उसके लिए क्या व्यवस्था करनी है? अलग अलग जगह पर जगह जगह पॉइंट आ रहे हैं, मैंने कहीं पर कॉलोनी में या गली में घर में पानी भरने का जैसा बात है। मोबाइल की हमारी टीम लगातार लगी हुई थी मैंने पंप आउट करने के लिए, पानी निकालने के लिए। ओवरऑल आप देख रही ऑलमोस्ट 24 घंटों के अंदर 174 mm पानी गिर चुका है और अभी भी लगातार पानी गिर रहा है। तो लगातार मैंने हम लोग फीडबैक ले रहे हैं, स्थिति नियंत्रण में है। ऐसी कोई एकदम से ऐसी कोई बहुत ही भारी मैंने एक ऐसे कोई एरिया सबमर्ज नहीं हुआ है, लेकिन लोकल मतलब कई पॉइंट आए हैं जहाँ उधर पर काम कर रहे हैं। और आगे सर बारिश हो ही रही है, इसके लिए इसलिए सारे टीम मैंने होमगार्ड की टीम भी है, हमारा पूरा नगर निगम टीम है, पुलिस के साथ, रेवन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और SDRF NDRF सबके साथ अगर टच में है, कोई भी बिल्डियो तब लोग मालूम देख रहे हैं। 24 घंटे में शहर में करीब 225 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। हबीबगंज अंडर ब्रिज पर शुक्रवार दोपहर बाद ही कमर से ऊपर तक पानी भर गया, जिससे यहां कई वाहन फंसते रहे। एक कार तो लगभग डूब गई थी और आवागमन बुरी तरह से प्रभावित रहा। लगातार जारी बारिश के कारण हमेशा सूखी रहने वाली कलियासोत नदी कलियासोत डैम के गेट खुलने के पहले ही बहने लगी। भारी बारिश के चलते भोजपुर रोड पर घुंसी नदी में बाढ़ आ गई, इससे यहां के छान गांव में पानी घुस गया और एक परिवार का घर पूरी तरह से डूब गया। परिवार बच्चों समेत फंसा रहा। जब इसकी जानकारी जिला प्रशासन को मिली तो SDRF की टीम और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद छान गांव में फंसे इस परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। देखिए, मध्य रात्रि के समय जो सेंट्रल मध्य प्रदेश में एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ था, उसी के प्रभाव से हमारे प्रदेश में जो है अच्छी वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। तो कल हमें इंदौर है, भोपाल है, सीहोर और सेंट्रल पार्ट्स और पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, वहाँ पर काफ़ी अच्छे वर्षा के आंकड़े दर्ज हुए हैं। आज भी जो हमने है इंदौर संभाग और उज्जैन संभाग के जिलों में मुख्यतः भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी रखी है, जिसमें कि आपके मुख्यतः झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, नीमच, मंदसौर और आपका उज्जैन, बड़वानी, ये वाले जो ज़िले हैं, इंदौर समेत ये जो ज़िले हैं, यहाँ पर आज भी बादल बने रहेंगे, वर्षा की गतिविधियाँ सक्रिय रहेंगी, कहीं कहीं पर खूब तेज थंडर यानी गरज चमक की स्थिति के साथ तेज हवाएं भी अल्पकालिक रूप से चल सकती हैं। तो ये जो इंदौर और उज्जैन संभाग है वो आज दिन के लिए वेदर के रूप से काफ़ी सेंसिटिव रहेंगे। तो यहीं पर हम लोगों ने रेड और येलो और ऑरेंज अलर्ट की वार्निंग्स अलग अलग जिलों में रखी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारी बारिश को देखते हुए अफसरों की हाई लेवल मीटिंग ली। राजधानी में कंट्रोल रूम को 24 घंटे एक्टिव रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सभी संभागायुक्त को इसकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। मध्य प्रदेश के लगभग सभी अंचलों में बहुत अच्छी बारिश हो रही है, 3 जिलों को छोड़कर अब कहीं भी वर्षा सामान्य से कम नहीं है। बारिश राहत भी लाती है लेकिन साथ में आफत भी आती है। हमारे बांध अब लबालब लगभग भर गए हैं, कई बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है, बारिश के कारण भी जल भराव की स्थितियां बनती है। आज ही मैंने
उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा करके कंट्रोल रूम चाहे वो प्रदेश का हो 24 घंटे सक्रिय रहेगा और हर जिले में आपदा नियंत्रण के लिए हमारी टीम बनी हुई है। जिला मुख्यालय पर भी कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्य करेगा। यदि बारिश के कारण, बाढ़ के कारण, जल भराव की स्थिति के कारण अगर कठिनाइयां उत्पन्न हो तो तत्काल संबंधित जिले के कंट्रोल रूम पर आप फोन करके बताएं। सारे कलेक्टर्स, एसपी, संबंधित अधिकारीगण, एसडीआरएफ की टीम सक्रिय कर दी गई है, तैनात है और कहीं बाढ़ की स्थिति अगर बनती है, जल भराव की स्थिति बनती है तो उससे निपटने के सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। कुल मिलाकर भारी बारिश ने भोपाल के साथ साथ पूरे प्रदेश में आफत का कहर तो बरपाया ही है। इसके साथ ही नगर निगम और जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं की भी पोल खोलकर रख दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।